जो पहली फिल्म की की बात की hmm. और बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पर फिल्म बनी थी उसकी एक क्लिप देखते हैं एक मैसेज uh, भी उसके मुतालिक उस फिल्म से जुड़े हुए एक साथ देना चाहते हैं हाय खालिद आई होप यू एंजॉयिंग द शो आई कांट बी देयर विद यू बट आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो इन सम वे और द अदर सो हियर आई एम आई जस्ट वांट टू से दैट यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन एंड आई ओ लॉट टू यू यू पिक मी अप फ्रॉम अ क्राउड एंड Uh, at a time when people didn 't even know that I existed, and you gave me a film like Friza, which uh, is so special to me, you gave me a character like Aman, which I still consider my best and is still very close to my heart. I still remember the day you uh, came to my house to narrate the film to me, and you sat on my bed uh, for those two hours and eventually it took me like two minutes to say that I had to be in this film. it was just like written for me. Thank you for Fizza first of all, and thank you more for uh, the way you treated me at that time, it was my first outside film, and you understood that I was scared, and you completely took care of me. You pampered me, and I miss that so much now when i 'm working outside on my various films. Um, I never once felt uncomfortable, even now when i 'm passing by and i I hear a song of the film or I see a glimpse of the film, I drift away, it takes me back to the times that we spent. And I just want to come to you and give you a very big hug and say thank you for everything. <laughs> you're a great writer, you're a great director, and more than all that, you're a great person. And I know what you're thinking right now, but you don't have to say it. I know your duas are with me. I wish you all the best. Love you. Khalid, when you cast him for Fiza, तब ये ऐसे कोई मशहूर वशहर नहीं हुए थे और इनकी फिल्म जो आके एक हंगामा मचा गई इनकी पहली फिल्म वो गालिबा रिलीज भी नहीं हुई थी जी आपने कैसे सोचा कि मैं इस नए लड़के को कास्ट कर लेता जी मैंने इनको एक चाइल्ड स्टार के रूप में देखा था इन्होंने एक फिल्म की थी मुझे लगता उस, उसका नाम था भगवान दादा तो तब भी मैं रिव्यूज़ लिख रहा था और मैंने कहा ये बच्चा कौन है बहुत ही यू नो ही सुपर लेकिन उसको ऋतिक को कभी भी उसकी याद दिलाएं तो वो बहुत नाराज होता है हॉरबल परफॉर्मेंस डोंट टॉक अबाउट इट एंड देन वल राइटिंग द फिल्म आई नीडेड सम्बडी विथ लवली आईज एंड यू नो वेरी गुड लुकिंग बट स्ट्रॉग ऑल्सो एंड आई थॉट ऑफ करिश्मा एंड द आईज है सेम सॉरो द सेम एंगर द सेम इमोशन सो ही वॉज माई फर्स्ट चॉइस एंड द लास्ट ये मतलब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि आप फिल्में फिल्मों की कहानियाँ लोगों को देते हैं अपनी फिल्में भी बनाते हैं लोगों की कहानियाँ भी लिखते हैं और कहानियों का कुछ तर्जुमा भी कर देते हैं आ, उस तर्जुमे का एक एक रूप में आपके साथ आ, आ, अभी पेश करना चाहता हूँ मैं उन साहब को बुलाता हूँ रूबरू हाजिर हूँ प्लीज़ तशीव लाइए आदाब हसन साहब बहुत शुक्रिया आप थे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आज हमारे पास जो है एक एक बहुत कामयाब आर्टिस्ट पेंटर टर्न्ड फिल्म मेकर और एक कामयाब क्रिटिक टर्न्ड फिल्म मेकर का साहब आपकी खालिद से मुलाकात सबसे पहले कब हुई थी ये मैं इनके जो इनके रिव्यूज ये बहुत जमाने से पढ़ता फोड़ता जी और जब भी ये किसी पर कुछ चार स्टार या वो देते थे वो फिल्म नहीं देखता था <laughs> जिस पर एक और दो वो देखता था क्योंकि मैं फिल्म देखने जाता था सिर्फ एक रिलैक्स करना कि ये सीरियस अगर फिल्म देखो तो क्या नहीं <laughs> <laughs> तो इनकी और फिल्म की जो जबान जो स्टाइल लिखने का था वो मुझे बहुत पसंद था काफ़ी ये उसमें बड़ी एक कंटेम्प्रेरी वो जबान वही नहीं जो डेढ़ सौ साल की अंग्रेजी लफिया में सी उसके अंदर बड़ी बड़ी जान थी अच्छा इनकी जो जीवनी लिखी गई इन पर जो कहानी इनकी ज़िंदगी की लिखी गई उसका तर्जुमा आपने करने का गैर आठ दाव बड़ा अच्छा उसका टाइटल भी बहुत अच्छा था तो हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं हुसैन साहब पर लिखी हुई इस किताब का जो है जी उनकी खुद की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है और मैंने उसको इंग्लिश में जिसे कहते हैं ट्रांसलिटरेशन किया है आ, लेकिन उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया था सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्शन कि फील फ्री और लिटरल ट्रांसलेशन मत करना तो उसमें मैंने काफ़ी आज़ादी और लिबर्टीज़ ली हैं और उनको पसंद आई हर हर चैप्टर ट्रांसलिटरेशन करके मैं इनके पास ले जा करता था और उन्होंने उनमें एक भी वर्ड चेंज नहीं किया And it's a fascinating life, of course. It's one and of the most fascinating sure. lives I've ever come across. So I was privileged. Now, do you all sit together and discuss, as two filmmakers, do you all discuss each other's films? नहीं नहीं कभी नहीं बिल्कुल नहीं <laughs> आप जो फिल्म बनाते कभी खालिद से डिस्कस करते हैं खालिद <laughs> आप जो बनाते कभी हुसैन साहब से डिस्कस करते मैं दिखाता हूं पर जब ये कमेंट नहीं करते तो कहता हूं अच्छा ठीक है मैंने <laughs> कुछ भद्दा नहीं इनकी खासियत ये है कि सिर्फ आधी पिक्चर देखते हैं साहब पर ये तहजीब में मुझे लगता दी एंड तक थे और क्योंकि मैं दरवाजे पे था तो उनको जाने नहीं दिया